तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरेडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद 79। हम लोग दक्षिणेश्वर में श्री राम कृष्ण को बैठे देख रहे हैं। मास्टर आए, आकर उन्होंने देखा कि प्राण कृष्ण बैठ गए हैं, पास पहुंच गए हैं। मास्टर उनके साथ नौका पर आना चाहते थे, लेकिन तूफान आने के कारण डर के मारे मास्टर महाशय उसमें नहीं आए और पैदल आए। तब देखा प्राण कृष्ण उसके पहले ही पहुंच चुके हैं और प्राण कृष्ण मैच्योर व्यक्ति हैं, प्रौढ़ हैं, विवाहित हैं, गृहस्थ हैं, लेकिन भक्त हैं, ज्ञानी भी हैं और वेदांत चर्चा करते हैं, विचार करते हैं। श्री राम कृष्ण से बातचीत कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं और हमने देखा मास्टर महाशय ने कम से कम 2-3 प्रश्न तो सुने हैं। एक यह पूछा था, महाराज यह अनाथ शब्द क्या है? फिर प्राण कृष्ण ने पूछा परलोक क्या होता है? उसके बाद श्री राम कृष्ण उसका प्रसंग लेकर बोलते चले गए। उसके बाद वेदांत की चर्चा प्रारंभ हुई, नेति नेति की चर्चा हुई। जब जगत सब कुछ छूटता जाता है तब क्या बचता है? सब कुछ विलीन हो जाता है। फिर श्री राम कृष्ण ज्ञानी और विज्ञानी की चर्चा करते। पिछली बार हमने ज्ञानी विज्ञानी की चर्चा विस्तार से देखी थी। श्री राम कृष्ण ने कहा विज्ञान के होने पर संसार में ही भी रहा जा सकता है, तब अच्छी तरह अनुभव हो जाता है कि जीव और जगत वे ही हुए हैं, वे संसार से अलग नहीं हैं। रामचंद्र ने ज्ञान लाभ के पश्चात जब कहा कि मैं संसार में न रहूंगा, तब दक्षत ने समझाने के लिए वशिष्ठ को उनके पास भेजा। वशिष्ठ ने कहा राम यदि संसार ईश्वर से अलग हो तो तुम इसे छोड़ सकते हो। श्री रामचंद्र चुप हो रहे, वे अच्छे तरह जानते थे ईश्वर से अलग कोई चीज नहीं है, फिर उन्हें संसार छोड़ना न पड़ा। यहां तक हमने पढ़ा था। अब श्री राम कृष्ण जो महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं और जहां से मैं प्रारंभ करना चाहता हूं वो है, श्री राम कृष्ण आगे कहते हैं, बात यह है कि दिव्य दृष्टि चाहिए। मन के शुद्ध होने पर ही वह दृष्टि होती है। देखो ना, कुमारी पूजा क्या है? मलमूत्र त्याग करने वाली हुई करके आई हुई लड़कियां, मैंने उन्हें देखा साक्षात भगवती की मूर्ति। एक और स्त्री और एक और बच्चा, दोनों को मनुष्य प्यार करता है किंतु भाव भिन्न है। तात्पर्य यह है कि खेल सब मन का है। शुद्ध मन के खास में एक खास भाव होता है, उस मन को प्राप्त करने पर इसी संसार में ईश्वर के दर्शन होते हैं, अतः साधना चाहिए। श्री राम कृष्ण एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, जैसे ये बात कई बार उठी है लेकिन इतनी महत्वपूर्ण है कि मैं आज इसे विस्तार से लेने का प्रयत्न करूंगा। कई बार रिपीटेशन हुआ भी है लेकिन ये रिपीटेशन पुनरावृत्ति बहुत आवश्यक है। अतएव साधना चाहिए। साधना का अर्थ क्या? साधना का अर्थ है शुद्ध मन होना। याद रखिए, बिल्कुल सीधी बात, मन को शुद्ध करना और कुछ नहीं। उसमें से काम वासना इत्यादि और स्वार्थपरता उसको दूर करना। और तब क्या होती है? श्री राम कृष्ण के शुद्ध मन के में एक खास भाव होता है, उस मन को प्राप्त करने पर इसी संसार में ईश्वर के कृष्ण। शुद्ध मन हो गया कि हो गया, बस साधना का और कोई वो नहीं। मन जैसा शुद्ध हुआ तो संसार सारा परिवर्तित हो गया। अब ऊपर से देखें श्री राम कृष्ण क्या कहते हैं। बात यह है कि दिव्य दृष्टि चाहिए। अब आगे कहते हैं कुमारी पूजा। पता नहीं आप लोग जो बंगाल के कल्चर से
परिचित नहीं होंगे, आपको ये बताते हैं कि हर वर्ष बंगाल में दुर्गा पूजा होती है। यहाँ भी होती है दुर्गा पूजा कुछ जगह पे, और ये दुर्गा पूजा जो होती है उसमें एक दिन कुमारी पूजा होती है, बाकी समय कब क्या होता है, वो जो मूर्ति है, एक मूर्ति बनाते हैं ना, मूर्ति वो घास की और मिट्टी की एक मूर्ति, दुर्गा की मूर्ति बनाते हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और उसकी मूर्ति करते हैं। एक दिन कुछ समय के लिए 48 मिनट के लिए इस तरह का एक कुमारी पूजा, कुमारी यानी छोटी बच्ची, 5-8-7 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची, उसको देवी सजा के एक सिंहासन, एक स्टूल जैसा उस पर बिठा देते हैं, और पुजारी, वही पुजारी, ब्रह्मचारी, साधु जो भी होगा, जो भी पुजारी होगा, वो पुजारी उसकी पूजा करता है, फूल पुष्प इत्यादि, जैसे एक मूर्ति की पूजा करता उस तरह की पूजा करता। और श्री रामकृष्ण कहते हैं कि ये जो देवी है ये कैसी, अरे ये तो मलमूत्र त्याग करती है, खाती पीती रोती सोती सब कुछ है, लेकिन क्या किया, उस समय के लिए वो कुछ देर के लिए हमने अपना भाव बदल दिया, हमारी दृष्टि बदल दी, उसको हम देवी करके उसकी पूजा करने लगे। तो ये आपको मैंने कुमारी पूजा बंगाल में जो होती है उसके बारे में संक्षेप में कहा। बात है, श्री रामकृष्ण कहते हैं दृष्टि चाहिए, दिव्य दृष्टि चाहिए, मन के शुद्ध होने पर वह दृष्टि होती है। यह जो दृष्टि है यही सबसे महत्वपूर्ण है, इसी को चित्त शुद्धि कहते हैं, फिर सब चीजें वैसी की जैसा आपका चित्त होगा वैसे दिखती है। और इसको वेदांत में विस्तार से लिया गया है, विशेषकर पंचदशी में। वेदांत के कई आचार्य हो गए हैं, आप लोगों ने शंकराचार्य का नाम तो सुना ही है, पूज्यपाद शंकराचार्य, विवेक चूड़ामणि पे हमने यहाँ पर क्लास भी ली थी, वह क्या प्रतिष्ठित करते हैं, जगत का स्वरूप क्या है। वेदांत में जब हम बात करते हैं तो अद्वैत वेदांत की बात करते हैं, याद रखिए, अद्वैत वेदांत की चर्चा करते हैं। वैसे वेदांत के और भी स्तर हैं, द्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, विभिन्न जो संप्रदाय वाले हैं, विभिन्न आचार्य हैं, वल्लभाचार्य ने विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किया, रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किया, वल्लभाचार्य ने द्वैत का प्रतिष्ठा की, इस प्रकार के बहुत सारे मतवाद वेदांत पर है। वेदांत का अर्थ है वेद का अंत, यानी उपनिषद, यानी जो ज्ञान कांड है, जो फिलॉसफी है उस पर, वह उसको कहते हैं वेदांत। तो हम जब अद्वैत वेदांत की बात करते हैं तो अद्वैत वेदांत के कुछ महत्वपूर्ण महान आचार्य हुए, पहले शंकराचार्य, शंकराचार्य के पहले भी एक आचार्य हुए, शंकराचार्य के गुरु के गुरु, शंकराचार्य के गुरु थे गोविंदपाद, उनके गुरु थे गौड़पाद, गौड़पादाचार्य भी महान अद्वैत वेदांती थे। उन्होंने मांडुक्य उपनिषद पर एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है, मांडुक्य कारिका, जिसमें यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि यह जगत जो हमें दिख रहा है यह जगत है ही नहीं, ये मिथ्या, हम जैसा हम भीतर हैं वही बाहर दिखता है। बहुत ही सुंदर मजेदार ग्रंथ है। और दूसरा ग्रंथ आपने नाम सुना होगा, मैं बात कर बात भी कहते हैं, योग वाशिष्ठ, योग वाशिष्ठ भी वेदांत का ग्रंथ है, अद्वैत वेदांत का ग्रंथ, उसमें भी यही है कि जगत बाहर नहीं है, हमारे भीतर ही है, हम जैसा देखते हैं वहां से दिखते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो जगत आप बाहर देख रहे हैं वह है तो सही, कुछ तो है, लेकिन आप जो देख रहे हैं वो आपके मन पर भी निर्भर करता है। यानी पहला है एक्स, बाहर जो है वो एक्स, वो हमारे इंद्रियों से मन में आया और मन से कुछ प्रतिक्रिया हुई, जो प्रतिक्रिया हुई वह वाई,
एक्सप्रेस वाई यह जगत। और हम समझ भी सकते हैं इस चीज को, अभी हम दृष्टांत के द्वारा बताएंगे और वेदांत के आचार्यों के द्वारा बताएंगे वो क्या है। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं बाहर कुछ जगत तो है, लेकिन वह जगत विभिन्न व्यक्तियों के मन के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। पहली बात। अच्छा, मैंने अभी शंकराचार्य का नाम किया, गौड़पादाचार्य, शंकराचार्य, फिर तीसरे थे मधुसूदन सरस्वती, वेदांत के प्रकांड विद्वान थे मधुसूदन सरस्वती, और उसके बाद में एक चौथे आचार्य हुए हैं, वो हैं विद्यारण्य मुनि, विद्यारण्य और शायनाचार्य, कुछ कहते हैं दोनों एक ही हैं, कुछ कहते हैं कि ये दो भाई थे। ये लोग राजकुल के थे, ये जो विजयवाड़ा है ना, विजयवाड़ा का जो विजयवाड़ा नहीं, उस जमाने में भारत में पहले एक स्टेट थी विजयनगरम, और ये भारत की हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो पाएंगे विजयनगर एक बहुत समृद्ध राज्य था, बहुत ही समृद्ध राज्य था, प्रभावशाली राज्य था। उनके प्रधानमंत्री थे ये विद्यारण्य मुनि, बाद में सन्यासी हो गए और उन्होंने अद्वैत वेदांत का बहुत प्रचार प्रसार किया। उनके दो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, और भी ग्रंथ हैं, लेकिन दो प्रसिद्ध, अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। पहला है पंचदशी और दूसरा है जीवन मुक्ति विवेक। पंचदशी थोड़ा टफ फिलोसॉफिकल, जीवन मुक्ति विवेक तो इंग्लिश ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है, आप लोग चाहें तो उसको पढ़ भी सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़। तो पंचदशी में पंद्रह चैप्टर हैं। पहले पांच चैप्टर तत्पद पर विचार करते हैं, तत्व में सच्चित आनंद, ये तो हम कहते हैं ब्रह्म को सच्चित आनंद। तो पहले जो चैप्टर है पांच, वो सत्स्वरूप, जगत का सत्स्वरूप है कि नहीं, मिथ्या है कि नहीं, उस पर विचार करते हैं। दूसरा चित स्वरूप, चैतन्य के ऊपर विचार करते हैं, और तीसरे पांच चैप्टर हैं वो आनंद पर विचार करते हैं। बड़े ही फिलोसॉफिकल, अत्यंत सुंदर ग्रंथ दृष्ट हुआ है। उसमें एक चैप्टर है द्वैत प्रकरण, जो द्वैत हमें दिखाई देता है, मैं आप, जहां पर भी द्विविधा है, दो है, दृश्य और दृष्टा, इसको हम कहते हैं द्वैत। उसका विवेचन करते हुए विद्यारण्य जी कहते हैं कि ये जो द्वैत है, ये जो सृष्टि है, वो दो प्रकार की सृष्टि है। एक है ईश सृष्टि, ईश्वर के द्वारा बनाई गई सृष्टि, ईश्वर के द्वारा बनाया गया द्वैत। मैं कई बार इसका रेफरेंस अपने प्रवचनों में देता भी हूं। यह है मायामय सृष्टि, ईश्वर कैसे बनाता है, अपनी माया से जगत की सृष्टि करता है, और सारा जगत हमें दिखाई दे रहा है। उसने पहाड़ बनाया, नदी, नाले, मनुष्य, सब कुछ उन्होंने बनाया है। वर्णन आता है कि भगवान ने क्या किया, एको हम बहुश्याम, मैं अकेला था, भगवान ने क्या किया, उन्होंने चिंतन किया, चिंतन करके बहुत सारे जीव प्राणी बनाए गए, और उसके बाद में वो जीव मनुष्य प्राणी बनाकर उसमें वो तदेवानुप्राविश, उसमें वो प्रविष्ट हो गया। तो जीव तक की जो सृष्टि, ईश्वर ने सारा जगत बनाया, नदी, नाले, पर्वत, आकाश, वायु, पंच तत्व, मन, प्राण इत्यादि बनाकर उसके बाद में वो उनके अंदर घुस गया, परमात्मा चैतन्य के रूप में उन सब में घुस गया। यहां तक तो ईश्वर की सृष्टि हुई। आगे की सृष्टि कहते हैं जो जीव है उसने भी अपनी सृष्टि की। जीव ने अपनी सृष्टि की कि नहीं की? एक मैं स्थूल दृष्टांत देता हूं, भगवान ने तो बनाई मिट्टी, हमने क्या किया, ईंट बना ली, है ना, उसको बना के और एक भट्टी बना के ईंट बना ली, ईंट बना के मकान बना ली,
भगवान ने बनाया पेड़, हमने क्या बनाया, अलमारी बनाई, लकड़ी काट के उसकी अलमारी बनाई। तो किसने किया, भगवान ने किया कि जीव ने किया। तो मैं इसको स्थूल दृष्टि से कहता हूं, ऐसी बहुत सारी चीजें, भगवान ने दूध बनाया, हमने क्या बनाया, आइसक्रीम बनाया, हमने मलाई बना लिया, आइसक्रीम बना लिया, क्या क्या बना लिया, अलग अलग प्रकार की चीजें बना ली। अच्छा, वेदांत में कहते हैं जीव क्या करता है, जीव की सृष्टि है वो मनोमय सृष्टि है, मन के अनुसार जगत की सृष्टि करता है। और एक दृष्टांत देते हैं, एक है मांसमय पुरुष, हमारा जन्म हुआ, जन्म किसने किया, भगवान ने किया, जन्म जो है वो भगवान की सृष्टि, एक बालक का जन्म हुआ, मांसमय एक बालक पुरुष का जन्म हुआ, एक कन्या का जन्म हुआ। अब मनुष्य ने क्या किया, उसको कह रहे ये तो मेरा बेटा है, बेटे का भाव मानव में कर दिया, बड़ा हुआ बच्चा, उसका शादी हो गई, उसके सब रिलेशन हो गए, तो वो भाई भी बन गया, पति बन गया, उसके बाद में वो पिता बन गया, दादा बन गया, काका बन गया, नाना बन गया, ये किसने बनाया, ये मनुष्य ने बनाया, ये सारा संबंध मनुष्य ने बनाया। अब श्री राम कृष्ण इसको थोड़ा आगे जाके कहते हैं, जो व्यक्ति चित्त शुद्ध हो जाएगा, चित्त शुद्ध होने पर, समाधि होने पर, उसके बाद ये जीव सृष्टि जो है वो नष्ट हो जाएगी। चित्त जब शुद्ध हो गया, उसके ऊपर ये सुपर इम्पोजिशन चले गए, तब क्या देखेगा, श्री राम कृष्ण कहते हैं ना, मैं देखता हूं तुम लोगों के सबके भीतर भगवान देख, वो घुसे थे ना भगवान सब में घुसे, वो ठीक ठीक सब जगह दिखेगा भगवान, सारा दारोमदार मन पर निर्भर करता है, कुछ जैसा मन जैसी भावना तैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी। ये तुलसीदास जी ने राम जी के संबंध में कहा है, जब वो धनुष भंग करने के लिए गए थे उस समय की बात है। और ठीक यही बात जब भगवान श्री कृष्ण कंस के कोई मारने के लिए गए, कंस के जब वो यज्ञ में जब वहां पर गए, मल्लशाला में जब गए, तो उनको देखकर अलग अलग प्रकार को कंस लगेगा कि बाप रे मेरा काल आ गया, योद्धाओं को लगेगा अरे वाह वाह ये तो बड़ा जबरदस्त युद्ध है, जो माताएं थी उनको लगेगा अरे इतना कोमल बच्चा, अरे अरे ये कहाँ गया, जो सुंदरी युवतियां युवक थे उनको लगेगा अरे ये तो कामदेव है। प्रत्येक को अपने अपनी भावना के अनुसार भगवान दिखने लगे, भगवान क्यों दिखने लगे, सारा जगत प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी भावना के अनुसार दिखे। जो धनवान व्यक्ति है पैसे को लोभ करता है तो सभी जगह देखता है कि यहाँ पे मेरे को कहाँ लाभ होगा, कहाँ किस में लाभ होगा, कहाँ मेरा नाम होगा, कहाँ मेरी कंपनी होगा, आश्रम में भी आएगा तो कि स्वामी जी मैं इन्वेस्ट करता हूँ, मेरा आप बोर्ड लगा दीजिए स्पॉन्सर्ड बाय दिस एंड दिस, करेगा कि नहीं, सब जगह जाएगा, उसकी दृष्टि यही रहेगी कि हमारे को लाभ कहाँ से, प्रॉफिट कहाँ से, कहाँ से। और जो साधक है वो देखेगा यहाँ गए यहाँ, ये तो आश्रम बड़ा अच्छा है, मंदिर में जाएगा देखेगा भीड़ है लेकिन यहाँ का वातावरण बड़ा अच्छा। हम लोग तो जाते हैं, अभी गए देर रांची गए तो देखा आश्रम में रहे, वाह यहाँ तो रात को चंडीगढ़ से अधिक शांत हो जाता है। और भी कहीं जहां भी जाते हैं हमारी दृष्टि यही रहती है कि ध्यान के लिए कौन सा स्थान अच्छा। वृंदा वहां गए, एक राजस्थान में गए थे, एक समदड़ी करके आश्रम में गए थे, एकांत गांव में है आश्रम, छोटा सा पंचवटी आश्रम नाम किया है, पांच पंचवटी जिसे बोलते हैं ना, पांच वृक्ष लगा रखे हैं, थोड़ा श्री राम कृष्ण की श्राइन बीच में बना रखी है। अरे वाह एकदम शांत सुनसान, कह यहाँ तो रहना बड़ा अच्छा रहेगा, यहाँ रह के मधुगरी भिक्षा कर सकते हैं, बड़े आनंद में रह सकते। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी दृष्टि अलग,
प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने दृष्टि से सारे जगत को देखता है। और यही बात यहाँ पर श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं, मन के शुद्ध होने पर ही वह दृष्टि होती है दिव्य दृष्टि। श्री रामकृष्ण शुद्ध दृष्टि से आगे की बात कहते हैं, दिव्य दृष्टि। शुद्ध दृष्टि और दिव्य दृष्टि लगभग एक ही। जब मन से कामना वासना इच्छाएं सब दूर हो जावे, जब स्वार्थ परता दूर हो जावे, जब भगवान का चिंतन होने लग जावे, तो सब जगह भगवान दिखने लग जाते हैं। इसी कहते हैं दिव्य दृष्टि, इसी को कहते हैं शुद्ध दृष्टि। और जैसा मैंने प्रारंभ में किया, यही साधना का सार है। बस ये टेस्ट होना चाहिए कि मेरी दृष्टि धीरे धीरे शुद्ध हो रही है कि नहीं। और इसी को बार बार इंगित करते हैं, माँ शारदा कहती हैं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अगर तुम्हें किसी दूसरे व्यक्ति के दोष दिखे तो अपने मन से पूछो क्यों दोष दिख रहा है। वो दोष तुम में है, क्यों दिख रहे हैं तुम्हें? दोष तुम में है, तुम साधारण हो जाओ। तो ये एक मैंने रेफरेंस के बताया। अब देखा श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मैंने देखा साक्षात भगवती की मूर्ति। दुर्गा पूजा में उनको, देवी को, कुमारी को देखा भगवान श्री रामकृष्ण, तो साक्षात देखते हैं भगवती। मां शारदा ने पूछा था, तुम मुझे किस दृष्टि से देखते? ये भी दृष्टि। श्री रामकृष्ण ने क्या कहा था, जो भगवती, जो देवी की पूजा मंदिर में होती है, जिस जन्मदात्री माँ ने मुझे जन्म दिया, वो नौबत में रहती है, और तुम तीनों को मैं एक ही देखता हूँ, तुम्हें मैं साक्षात भगवती देख। दृष्टि, देखना हो शब्द का उपयोग है, देखना। तब देखना ही नहीं क्या, याद रखिए, आंख से देखना एक चीज होती है, और ये आंख से जो तरंग है जाकर अंदर हमारे मन में जाती है, वहां पर हमारा दर्शन का एक केंद्र होता है, वहां पर मन उसको प्रभावित करता है, उसके अनुसार हमारी दृष्टि होती है। तो श्री रामकृष्ण जैसे व्यक्ति में तो उनको साक्षात दिखते थे, यानी वो देख रहे हैं सामने वाला व्यक्ति, और उसको उनमें या तो कृष्ण या राम या दूसरा व्यक्ति दिख रहा है, भगवान दिख रहे। प्रश्न यही होता है कि भाई आंखों से, खुली आंखों से कैसे देखेंगे? वहां तो एक जैसा व्यक्ति, उसकी तरंगे आंखें हमारे आंखों में जाएंगी, तो जो बाहर रूप है वही दिखेगा। ये प्रश्न उठ जाता है। तो दृष्टि का अर्थ है हमारे मन में इंटरप्रिटेशन क्या होता है, वही जो मैंने कहा x प्लस y, व्हाट इज y, y इनसाइड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसको बदल दीजिए, जगत बदल जाएगा। मैं दूसरा दृष्टांत देता हूं। एक बच्चा है 5-7 बरस का, उसको, वो भी तो देखता है सब चीजों को, बस जितनी चीजें हैं वो सब देख रहा है, आप भी देख रहे हैं, मन में जो प्रभाव पड़ रहा है, इंप्रेशन पड़ रहा है, पिक्चर पड़ रहा है, वो तो वही है जो आपके मन में और उसके मन में है, उसको तो भिन्न नहीं होगा। लेकिन वो चीजें बिल्कुल भिन्न देखता है, आप नहीं देखते उस चीज को, और आप जो चीज देखते वो नहीं देखता। उसका मन भिन्न है, और वो कई चीजें ऐसी देखेगा जो आपने कभी देखी नहीं। वो यहां पे आएगा, आप भी सब चीजें देख रहे हैं, वो भी सब चीजें देख रहे हैं, उसके मन में अपने इच्छा के अनुसार, अपने मन के कंडीशनिंग के अनुसार वो अपनी अपनी चीज अपनी इच्छा अनुसार देख रहे हैं, और उसके बाद जाके सब चीजें बता देगा आपको, घर में बताएगा, इतनी गिलहरियां थी वहां, ये था, पेड़ था, इतने फूल थे, लाल रंग का फूल पीला, आपने भी देखा, आपने मन में उसका दाग नहीं पड़ा। इसलिए बच्चों कहते हैं जाओ उनके साथ खेलो, उनका मन उधर है, वो आपकी दूसरी चीजें देखने में उनका मन नहीं। दूसरी दृष्टांत में और भी देता हूं, तो चिड़ियाओं का जगत, बिल्ली का जगत, कुत्ते का जगत बिल्कुल भिन्न है हमारे जगत से। आंख लगभग वैसी की वैसी है, कुत्ता भी मोटर देखता है, कुत्ता भी मनुष्य को देखता है, चलता फिरता और देखता है, उसका रिएक्शन बिल्कुल भिन्न है।
इसी प्रकार से अगर हम अपने मन को बदल रहे हैं तो सारा जगत हमारा बदल जाएगा। चीजें बाह्य दृष्टि से, फिजियोलॉजी की दृष्टि से, ऑप्टिक की दृष्टि से वो की वही रहेंगी, बाकी चीजें बदल जाए। अब श्री राम कृष्ण आगे और क्या कहते हैं, एक और स्त्री और एक और बच्चा, दोनों को मनुष्य प्यार कर रहा है किंतु भाव भिन्न है, एक तरफ कन्या है एक तरफ स्त्री है, भाव भिन्न है, एक को पिता की तरह प्यार करता है, एक को पत्नी की तरह प्यार करता है, मन तो एक ही है भाव भिन्न। और जो भगवान को देखेगा तो पुत्र बालक में भी भगवान देखेगा, बड़े में भगवान, दैट्स द थिंग। स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे, वो भाव और भी आएगा यहां पर, श्री रामकृष्ण थोड़े निम्न स्तर पर आके भी बात करेंगे। स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे और वो तो स्त्रियों के साथ बिल्कुल स्वच्छंद रूप से मिलते थे, कई उनकी स्त्री भक्त थी, और अमेरिका में वहाँ कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस में कहीं पर टर्क स्ट्रीट नामक एक स्थान पर फ्लैट लेके रहते थे, और उनकी जो केयर टेकर थी वो मिसेस हैंसपेरो थी, वो सारा घर के देखभाल के मैं करता, उनकी शिष्या थी, सब करती थी, तो एक ही घर में रहते थे। भारत से जब अमेरिका से जब लौट कर आए तो एक बार स्वामी विज्ञानानंद जी श्री राम कृष्ण के एक शिष्य थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई थे, बाद में रामकृष्ण मिशन के प्रेसिडेंट भी हुए, उन्होंने एक दिन पूछ लिया स्वामी विवेकानंद से, अच्छा महाराज, स्वामी जी आप तो कुछ बातें समझ में नहीं आती, ठाकुर तो स्त्रियों के साथ संबंध के संबंध में बहुत सावधान थे, अभी आएगा उसको हम थोड़ा सा विस्तार से भी लेंगे। देखिये ठाकुर तो कहते थे कि स्त्री का मुंह भी नहीं देखना चाहिए, है ना, सन्यासी को स्त्री का मुंह भी नहीं देखना चाहिए, और विज्ञानानंद जी को श्री रामकृष्ण ने कहा था कि देखो कोई स्त्री का मुंह भी नहीं देखना, एक गुड़िया हो वो उल्टी पड़ी हो तो उसको सीधा करके उसका चेहरा भी नहीं देखना, इतना स्ट्रिक्ट, किसी स्त्री से बात नहीं करना, मुंह नहीं देख। और विज्ञानानंद जी बहुत स्ट्रिक्ट थे, मजाक ये थी कि वो इलाहाबाद में रहा करते थे, तो ये मजाक थी कि इलाहाबाद में उनके आश्रम में मादा मक्खी भी प्रवेश नहीं कर सकती, इतने स्ट्रिक्ट। तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद से पूछ लिया कि उनको समझ में नहीं आया कि स्वामी विवेकानंद किसी की क्या बात कर। स्वामी विवेकानंद चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, बहुत बातें कही, चुपचाप रहे, फिर उन्होंने कहा कि देखो तुमको जो श्री राम कृष्ण ने कहा तुम करो वैसा, मुझे तो कभी उन्होंने ये बात नहीं की कि तुम स्त्रियों से दूर रहना, तुमको कहा था कि इतना स्ट्रिक्ट रहना। श्री रामकृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार निर्देश उपदेश दिया करते थे, और फिर उन्होंने कहा, जानता है, क्या नाम था उनका, पेशन, हरि प्रसन्न थे उनका नाम, पेशन, जानता है श्री राम कृष्ण ने मेरे हृदय से ये लिंग भाव, सेक्स आइडिया, जो स्त्री पुरुष का भाव मिटा दिया था, मुझे स्त्री पुरुष का भेद नहीं पता चलता था। अब कैसे पता नहीं चलेगा, आप स्त्री के साथ घूम रहे हो, आप बोलते हो कि मेरे को स्त्री भाव मिटा दिया, उसको यूं देखिए, एक बच्चा है वो तो घर में रहता है, सब जगह से मिलता जुलता है, वो जानता है ये माँ है ये बाप है, ये भी जानता है, लेकिन क्या उसको ये भाव है, उसको ये अंतर पता चलता है कि स्त्री और पुरुष में क्या अंतर है, दैट सेंस इज नॉट देयर बच्चे में। वही बात स्वामी विवेकानंद के साथ, उनको ये भेद नहीं लगता, स्वामी विवेक श्री रामकृष्ण ने ये भेद उनके मन से हटा दिया, दृष्टि बदल गई, और जब ये दृष्टि हो जाती है तो सब कुछ, सारी समस्या है, सारी समाधान। दृष्टि बिगड़ गई, सारा जगत बिगड़ गया, वही जगत
एक व्यक्ति एक प्रकार से देखता है, दूसरा व्यक्ति दूसरे प्रकार से। तो इसलिए मैंने बहुत महत्वपूर्ण बात है इसको लिया। तात्पर्य यह है कि यह सब खेल मन का ही है। शुद्ध मन में एक खास भाव होता है, उस मन को प्राप्त करने पर इसी संसार में ईश्वर के दर्शन होते हैं। अतएव साधना चाहिए, यही है बस। मन को शुद्ध करिए, आंखें खुले हुए आपको सर्वत्र भगवान के दर्शन। अपने मन को भगवान के भाव से रंजित करते रहिए। इसके अंदर स्वार्थ है, अहंकार है, काम है, क्रोध है, ये धीरे धीरे आप जितना निकालते चले जाएंगे तब आप देखेंगे कि आपका दृष्टि बदलती रही। पहले आपको चारों ओर शत्रु दिखते थे। कुछ लोग तो होते हैं सस्पिशियस होते हैं, पैरानॉइड होते हैं, कि बीमारी भी होती है, सब लिखते हैं अरे ये क्या है, ये मेरे को देखता है, ये क्या करता है, ये करा, सब जगह शत्रु दिखते हैं। आगे आएगा मास्टर महाशय के संबंध में भी आएगा। स्वयं स्वयं मास्टर महाशय जब वे नदी में आ रहे थे, गंगा में बैठे थे, उनको डर लगा, उतर गए, नौका से उतर गए। आप लोग जो पिछली बार आए आप जानते होंगे, नौका से उतर गए थे। तो बाद में श्री राम कृष्ण उनसे पूछेंगे कि क्या बात है, अभी तुम घर जाओगे? वो कहते ही नहीं, मुझे यहाँ घर में अच्छा नहीं लगता, मैं रहना नहीं चाहता हूँ। क्यों? तुम्हारा माँ बाप मकान गिरवा कर वहां नई इमारत खड़ी कर रहा है। मास्टर कहते हैं घर में मुझे बड़ी तकलीफ मिल रही है, मिली है, वहां जाने को मेरा मन नहीं करता, नहीं होता। मास्टर श्री राम कृष्ण कहते हैं तुम किससे डरते हो, तुम किससे डरते हो? मास्टर कहते हैं सबसे। आएगा ये, अभी मैं थोड़ा संक्षिप्त हूं। श्री राम कृष्ण गंभीर भाव से कहते हैं वह भय वैसा ही है जैसा तुम्हें नाव के चढ़ने पर समय होता है। एक व्यक्ति सभी जगह शत्रु दिखाई देते, सभी जगह भय दिखाई देता है, दूसरे व्यक्ति को सभी जगह भगवान दिखाई देते हैं, सब जगह प्रसन्नता रहती है। हम अपना जगत सबके साथ लेकर जाते हैं। तात्पर्य यह है कि जगत बाहर चाहे कैसा भी होवे, मैं ये नहीं कह रहा कि दुष्ट व्यक्ति होते कि नहीं, श्री राम कृष्ण स्वयं कहते थे दुष्ट भी है, लुच्चा भगवान भी है, लेकिन प्रचार कहते हैं। तो श्री राम कृष्ण ये भी कहते हैं कि हाथी नारायण से दूर से प्रणाम करना चाहिए, शेर नारायण को दूर से प्रणाम करता है। ये अंतर तो है, नारायण देख रहे हैं, व्यवहार भिन्न प्रकार का होगा, लेकिन दृष्टि याद रखिए, दर्शन और वर्तन उसमें अंतर है। यहां पर श्री राम कृष्ण दर्शन की बात कर रहे हैं। अपने चित्त को शुद्ध करिए, धीरे धीरे अपने दृष्टि को शुद्ध करिए, आप देखेंगे सारा जगत शुद्ध हो जाएगा, परिवर्तन। तो अतएव साधना चाहिए, साधना चित्त शुद्धि के लिए। अब आगे श्री राम कृष्ण दूसरी बात कहते हैं, साधना चाहिए, यह समझ लेना चाहिए कि स्त्रियों पर सहज ही आसक्ति हो जाती है। स्त्रियां स्वभाव से ही पुरुषों को प्यार करती हैं, पुरुष स्वभाव से ही स्त्रियों को प्यार करते हैं, दोनों इसीलिए जल्दी गिर जाते हैं। और ये श्री राम कृष्ण किनको बात कर रहे हैं? यहां पर संभवतः दूसरे लोग भी बैठे होंगे, प्राण कृष्ण तो है और उनके साथ में मास्टर महाशय भी बैठे। मास्टर ने पहुंच के देखा, वे लोग वहां पहुंच गए हैं, श्री राम कृष्ण से वार्तालाप कर रहे हैं। जमीन पर कई भक्त बैठे हैं, उनमें प्राण कृष्ण मुखोपाध्याय हैं। कितने भक्त बैठे हैं ये नहीं मालूम, और श्री राम कृष्ण ने ये कह बात किसको संकेत करके कही यह भी नहीं कहा जा सकता। युवक भक्त होते हैं तो श्री राम कृष्ण बड़ी सावधानी करते हैं, युवक भक्तों को श्री राम कृष्ण बड़े सावधान है। यहाँ पे तो वृद्ध भक्त बैठे हैं, मास्टर जैसे लोग बैठे हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं, मास्टर ने रिकॉर्ड कर लिया इस बात को, संभवतः दूसरे युवक बैठे होंगे, श्री राम कृष्ण ने उनको निर्देश दिया होगा, श्री राम कृष्ण स्वामी ने, मास्टर महाशय ने रिकॉर्ड कर लिया। स्त्रियों पर सहज ही आसक्ति होती है, पुरुष स्वभाव से स्त्रियों को प्यार करते हैं, दोनों इसीलिए जल्दी गिर जाते हैं। और ऐसे अनेक दृष्टांत हमें धर्म साहित्य में, जीवनियों में प्राप्त होते हैं कि कोई व्यक्ति गैर सावधानी में पतन हो गया। आप विश्वामित्र का तो दृष्टांत आप ले ही लीजिए, इतने बड़े तपस्वी हो गए,
लेकिन उसके बाद में वो मेनका के उससे वो पतित हो गए। बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हैं कि जिसमें व्यक्ति डोंट नेवर बिकम टू श्योर कभी खास करके काम के संबंध में किसी भी व्यक्ति को बहुत अधिक ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे मन में काम का विचार उठता ही नहीं है, मैं बिल्कुल उसके परे चला गया हूँ। एक बार माँ शारदा के पास एक माँ के भक्त आए, उन्होंने कहा कि माँ अब मेरा मन बहुत शुद्ध है, मेरे मन में काम विचार नहीं उठता। माँ ने इमीडिएटली कहा बोलो नहीं, मत बोलो, ऐसा कभी मत बोलो। जब तक शरीर है याद रखिए, जब तक शरीर है, जब तक स्त्री पुरुष भेद है, तब तक काम भाव रहेगा। तो प्रसिद्ध दृष्टांत है, आप जानते हैं ना, किसी साधक से कोई वेश्या ने पूछा था या किसी ने पूछा था, बूढ़े साधक थे, कि भाई आपने क्या काम को जीत लिया? साधक थे, वृद्ध थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको कुछ दिन बाद इसका जवाब दूंगा। प्रसिद्ध कहानी है ये, हर साल पूछे कब छरो अभी बताता हूं जवाब। उसके बाद जब उनका अंतिम समय आया, मरणासन्न पड़े हुए हैं, उन्होंने लोगों से अपने भक्तों से कहा उस वेश्या को बुलाओ। लोगों को लगा इस बूढ़े अवस्था में मरते समय वेश्या को याद कर रहा है क्या, मत बुलाओ ना, बुलाओ बुलाओ। वो आई, जैसे ही वो आई तो उन्होंने कहा मैंने काम को जीत लिया है और शरीर त्याग। क्या मतलब? जब तक शरीर है तब तक काम है, जब तक देहात्म बोध है तब तक काम है। इसलिए इस दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक साधना का साधक को साधना चाहिए। जब कहा तो श्री रामकृष्ण साधना को काम से विजय से जोड़ रहे हैं, साधना चाहिए, दोनों को सावधान रहना पड़ेगा, स्त्री पुरुष दोनों को। जब तक शरीर है तब तक काम है, इसलिए सावधान। और दूसरा दृष्टांत, एक सन्यासी ने से किसे पूछा कि काम कब तक रहता है, क्या रहता है, कैसा रहता है, कुछ इस प्रकार। तो एक डब्बा भिजवा दिया, उसको खोला, एक डब्बा खोला, दूसरा डब्बा खोला, एक डब्बा, उसके अंदर दूसरा डब्बा, दूसरे डब्बे में तीसरा डब्बा, तीसरे में चौथा, छोटा 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 छोटा, समझ लीजिए कि बड़ा डब्बा। और अंतिम एक आखिरी जो लास्ट डब्बा था, उसमें उसको निकाला तो उसमें थोड़ी सी राख थी। मतलब क्या? जब तक शरीर भस्म होकर राख नहीं हो जाता तब तक काम रहे। इसलिए उनको बड़ा सावधान रहना पड़ता। थोड़ा सा विषयांतर करें, एक हंसी कर दे मजाक याद आ गई मुझे। मैं रायपुर में था ना, आप जानते हैं, मिशन ज्वाइन करने के बाद रायपुर में था, वहां पर एक हॉस्टल था, तो दोस्त मित्र लड़के लोग थे, तो वो लोग कुछ एनुअल डे वगैरह कुछ होता था, तो हम लोगों को कुछ वो लोग प्रेजेंटेशन वगैरह कुछ करते थे, ऐसा करते थे। तो किसी दिन किसी को उन्होंने एक स्वामी जी साधी लोगों को एक खिलौना होता है ना बच्चे आवाज होता, वो दे दिया, किसी को कुछ दिया। तो एक दिन एक बार मुझे दिया, तो उन्होंने क्या किया, बड़ा डब्बा कार्डबोर्ड का, उसमें छोटा डब्बा, 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 अंतिम में बिल्कुल छोटा डब्बा, और उसके अंदर उसको आखिर में निकाला, उसके अंदर एक वो मार्बल खेलने की गुल्ली। बच्चों का तरीका है आनंद मनाने का, जो हो। तो काम ऐसा रह जाता है, सूक्ष्म रह जाता है, जब तक शरीर भस्म नहीं हो जाता तब तक रहता है। इसलिए व्यक्ति को सावधान, अवश्य सावधान है। तो क्या कहते हैं श्री रामकृष्ण? कहते हैं पुरुष से पुरुष स्वभाव से स्त्रियों पर प्यार करते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के प्रति आसक्त रहते हैं, स्वभाव है, इट हैज बीन इनग्रेन्ड हमारे मन में, शरीर में, मन में, ये एक
बात बिठा दी गई है भगवान ने जब सृष्टि की। इसलिए जो साधक है उनको सावधान रहना। कैसे सावधान रहना? कुछ साधक तो बिल्कुल ऐसे हैं जो मिलते नहीं, स्त्री पुरुष बिल्कुल बहुत भेद, और कई कई ऐसे संप्रदाय भी हैं जो दोनों को मिलने का वर्जन है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं मिलना, बातचीत नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। लेकिन सामान्य साधक को क्या करना चाहिए? पहली बात तो यह है कि अगर आप किसी स्त्री से भेंट हुई, मुलाकात हुई, बातचीत हुई, ठीक है, बातचीत के स्तर तक रहिए, उसके आगे नहीं जाइए। स्वामी एक स्वामी जी यूरोप जा रहे थे, रामकृष्ण मिशन के एक सन्यासी, उनको पोस्टिंग होता है ना यूरोप में, पोस्टिंग हुआ तो वहां पर, तो यूरोप में, अमेरिका में तो सब लेडीज सारा घर का काम करती हैं, युवती भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं, वो लोग आश्रम संभालती हैं, खाना बनाती हैं, सब कुछ करती हैं, तो साथ तो होता ही है, तो ऐसे में क्या करना? कहा कि देखो जो भी कुछ करो वहां पे तो क्या है, शेक हैंड भी होता है, लेडीज हैं वो भी है, तो जो कुछ करो तुम किसी स्त्री को छूना नहीं, बातचीत भले करो करो कभी किसी स्त्री को छूना नहीं, और हाथ मिलाए तो भी दूर से हाथ मिलाना, छूना नहीं। एक कितनी बड़ी सुरक्षा हो गई, मन पर बात उठ रही है उसको वहीं पर संभाल दो, कंट्रोल कर लो, क्योंकि हम नहीं जानते मन किस समय हमें धोखा दे। पहले मुलाकात होती है, इच्छा होती है, बात करने की इच्छा होती है, फिर बात घनिष्ठ हो जाती है, फिर थोड़ा सा स्पर्श करने की इच्छा होती है, और फिर चीज बढ़ती चली जाती है। इसलिए साधक के लिए आवश्यक है कि स्पर्श नहीं करना, दूर। तो ये एक संक्षेप में यहां पर मैंने कहा साधना चाहिए। अब इसके बाद में प्रसंग दूसरा चालू होता है, संक्षेप में उसको कर लेते हैं फिर हम आगे जाएंगे। बहुत ही ये इस चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश दिए गए। पंचवटी में कई दिनों से एक हठयोगी रहते हैं, वे सिर्फ दूध और अफीम खाते हैं और हठयोग करते हैं, रोटी भात यह कुछ नहीं खाते, अफीम और दूध के दाम उनके पास नहीं है। श्री रामकृष्ण जब पंचवटी में गए थे तब वे हठयोगी से बातचीत करके आए थे। हठयोगी ने राखाल से कहा था, परमहंस जी से कहकर मेरी कोई व्यवस्था करा देना। श्री रामकृष्ण ने कहला भेजा था कि कलकत्ते के बाबू जब आएंगे तब उनसे कहा जाएगा। अब हठयोग का अपना प्रसंग है, उसके ऊपर हम विस्तार में नहीं जाएंगे। सारा श्री रामकृष्ण और रामकृष्ण भावधारा में इसको हम महत्व नहीं देते। श्री रामकृष्ण ने स्वयं हठयोग किया था, याद रखिए, प्राणायाम वगैरह खूब करते थे, हमने पढ़ा है कि श्री रामकृष्ण ने इतना प्राणायाम किया था कि लेटे लेटे बैठे बैठे सांस रुक जाता था उनका, और उन्होंने अपने भक्तों को कह रहा था कि कभी मेरा सांस रुक जावे तो तुम लोग मुझे जगा देना, बता देना। लेटे हुए हैं, सांस रुक गया, लोग जगा देते हैं, महाराज उठिए, सांस रुक गया, ओ अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा, थैंक यू। तो श्री रामकृष्ण ने हठयोग बहुत किया था, हठयोग के कारण वो उनकी तो कुंडली ऊपर जा रही थी, फिर गले में से खून निकला था और उसके बाद में वो रुक गया था, जो भी हुआ तो जड़ समाधि भी हो सकती। श्री रामकृष्ण ने सब उपाय किए, तंत्र साधना किए, पंचमकार की वो साधना भी, सब कुछ साधना करके उन्होंने बताया कि भाई सामान्य लोगों के लिए ये ठीक है, दूसरे लोगों के लिए ठीक, ये अन्य साधन विशिष्ट लोग भरे करें लेकिन सामान्य लोगों के लिए ये साधनाएं उपयुक्त नहीं। तो श्री रामकृष्ण हठयोगी आए हैं, श्री रामकृष्ण से कहते हैं, आपने राखाल से क्या कहा था? श्री रामकृष्ण ने कहा था बाबू से कहूंगा, अगर वे कुछ दे देंगे तो कुछ दे तो देंगे, परंतु क्यों, प्राण कृष्ण आदि से शायद तुम इन्हें लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते। ये श्री रामकृष्ण का इंग्लिश शब्द एक लाइक, थैंक यू, और पता नहीं दो चार शब्द और बोलते थे श्री रामकृष्ण, लाइक नहीं करते। प्राण कृष्ण चुपचाप बैठे हैं, हठयोगी चला गया, श्री रामकृष्ण की बातचीत होने लगी। अब श्री रामकृष्ण यहां से और भी महत्वपूर्ण बात करते हैं, प्राण कृष्ण आदि भक्तों से, ये निश्चित है कि आज उनके पास मास्टर जैसा एक भक्त बैठा है, प्राण कृष्ण बैठे हुए हैं,
और भी कुछ भक्त होंगे और श्री राम कृष्ण बातचीत करने के मूड में है। श्री राम कृष्ण प्राण कृष्ण आदि से कहते हैं, और संसार में रहने पर सत्य का खूब ध्यान चाहिए। अभी ब्रह्मचर्य की चर्चा की, संक्षेप में जो बात कह दी उन्होंने, वन हैज टू बी वेरी केयरफुल, इस दृष्टि से अत्यंत सावधान रहना चाहिए। और बहुत सारे नियम है ईसाई संप्रदाय में, जैन संप्रदाय में, हिंदू धर्म में, ब्रह्मचर्य के पालन के सभी धर्मों में विस्तार से धर्म नियम है, वो हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, कुछ ध्यान रखते हैं। इसको लिए मैं उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। और संसार में रहने पर सत्य का खूब ध्यान चाहिए, सत्य से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, नहीं तो इस समय सत्य की दृढ़ता कुछ कम हो गई है, पहले बहुत थी। नहाऊंगा यह कहा नहीं कि गंगा में उतरा, मंत्रोच्चारण किया, सिर पर पानी भी डाला, परंतु फिर भी संदेह होता था कि शायद अच्छी तरह नहाना अभी नहीं हुआ। अमुक स्थान पर शौच के लिए जाऊंगा यह सोचा नहीं कि वहीं गया, राम के मकान गया कलकत्ते में, कह दिया कि पूड़ियां ही पूड़ियां न खाऊंगा, जब खाने को दिए गया तब देखा भूख लगी है, परंतु कह जो दिया है कि पूड़ियां न खाऊंगा तो मजबूरन मिठाई से पेट भरा, समझते हैं। इस समय तो दृढ़ता कुछ घट गई है, टट्टी की हाजत नहीं है, कहीं तो कह डाला कि मिट्टी लगाऊंगा, मिट्टी की टट्टी जाऊंगा, क्या किया जाए। राम से पूछा, राम चटर्जी दक्षिणेश्वर के पुजारी, राम से पूछा, उसने कहा नहीं लगी है तो जाकर क्या करेगा। तब मैंने विचार किया, सभी तो नारायण है, राम भी नारायण है, इसकी बात क्यों न मानो। हाथी नारायण है परंतु महावत भी तो नारायण है, महावत जिस समय कह रहा है हाथी के पास मत जाओ, उस समय उसकी बात क्यों न मानी जाए। इस तरह विचार करके अब पहले की अपेक्षा दृढ़ता कुछ घट गई। श्री राम कृष्ण की बात कह रहे हैं, लेकिन याद रखिए श्री राम कृष्ण कितने पर्टिकुलर थे। एक मन मुंह से बात निकली है उसको पूरी करना। एक बार नरेंद्र मिलने के लिए आए, उन्होंने कहा था 3 बजे आऊंगा मिलने के लिए, वो 2:30 बजे आ गए। किसी ने आके कहा कि महाराज नरेंद्र आए हैं, वो गेट के वहां पर खड़ा है। श्री राम कृष्ण कहे अरे आना आना, देखे नहीं महाराज मैंने आपको कहा था मैं 3 बजे आऊंगा, 2:30 बजे आ गया, इसलिए सत्य की रक्षा के लिए मैं बाहर खड़ा। श्री राम कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए और वहां खड़े रहे। ठीक है, तुम्हारी निष्ठा के कारण मैं तुमको अब नहीं बुलाता, 2:30-3 बज जाएगी तब तुम। छोटी छोटी बातों में प्रारंभ करना है, छोटी बातें सावधान रहना है, मुंह से ऐसी बात न निकल जावे, ऐसा बोल दिया और उसके बाद में न कर पाए, ऐसी बात ना। और इसलिए जब ध्यान करने साधना करना लगेंगे, सत्य की साधना करेंगे करने लगेंगे, तब हम देखेंगे कि हमको अपने चिंतन में अपने वचन में कितना सावधान रहना पड़ता है। और तब मन जो आपका है वो कैसा सजग हो जाए, सोचिए आप मन की क्वालिटी कितनी बदल जाएगी। हम लोगों का मन अभी ढीला ढाला है, कहीं किसी चीज में निष्ठा नहीं, जो मर्जी में ऐसा बोल दिया उसको पालन करना नहीं पड़ना। अच्छा आएंगे आएंगे तुम्हारे कल आ जाएंगे, वो कल परसों 3 दिन भूल गया, अरे भूल गया मैंने। कोई पूछता बोलता था कि मैं आऊंगा, श्री राम कृष्ण बहुत पसंद नहीं करते थे, पर किसी ने किसी व्यक्ति ने कहा तो प्रताप चंद मजूमदार ने या किसी ने कहा कि हम आ महाराज का कहते मैं आऊंगा, मैं फिर नहीं आया। तो श्री राम कृष्ण की क्या बात है, बोल के और नहीं आना, ये बात तो बहुत खराब है। श्री राम कृष्ण उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो इस दृष्टि से थोड़ा सा हमको सावधान होना पड़ेगा, नहीं तो आध्यात्मिक जीवन का कोई मजा ही नहीं है। सुबह शाम उठे बैठे थोड़ा सा ध्यान जप कर लिया, उससे क्या होगा। लेकिन जब आप सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य अस्ते इत्यादि को जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे, तब देखेंगे कि हमको कितना सावधान रहना पड़ता है। मन की क्वालिटी चेंज हो जाती है, स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड, द क्वालिटी ऑफ द माइंड बिल्कुल बदल जाता है। और ऐसा व्यक्ति कभी कभी मजाक में कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के मुंह से अगर कोई बात निकल जाए तो वो सत्य होती है।
अनजाने में भी अगर वो मजाक में भी कोई बात कह दे तो सत्य होती है। क्या आप सोचते हो कि जिस व्यक्ति ने निष्ठापूर्वक सजग रूप से सत्य का पालन 12 वर्ष तक किया हो वो कभी मजाक में या अनजाने में कुछ बोल सकता है? वो अनजान या जिसे कहते हैं केयरलेसली कुछ बोल सकता ही नहीं। बोलने के पहले उसका मन जो है जो कुछ बताएगा सारा अचेतन मन उसका सत्य में परिवर्तित हो जाता है। उसका गहरा चिंतन भी स्वप्न भी सत्य होते हैं। जरा सोच के देख लीजिए आप इस चीज को। जैसा हम सारे जीवन में दिन रात व्यवहार करते हैं वैसे हमारे स्वप्न भी होते हैं। जैसा हमारा गहरा चिंतन होता है जैसा हम जीवन व्यतीत करते हैं हम उसी प्रकार का आचरण भी करते हैं। तो अगर कोई सजग साधक अत्यंत सावधानी से सत्य का पालन करे तो क्या उसके मुंह से कभी असत्य निकल सकता है? अनजाने जैसी चीज नहीं है वो, तो दृष्टांत है। एक बार श्री रामकृष्ण ने स्वामी विवेकानंद को कह दिया था और ये कथा मैंने आपको सुनाई होगी। स्वामी विवेकानंद युवक थे, सुंदर बाल थे, ऐसे आपने देखा होगा एक चित्र है, ऐसे थे, घुंघराले बाल थे। एक दिन आए थे श्री राम कृष्ण के पास। श्री राम कृष्ण मजाक में उनके बाल पकड़ के ऐसे ऐसे किरे खूब ढंग कर चीज बांग्ला बोले बड़ी फैशन करता है। तो स्वामी विवेकानंद ने तो खुली तलवार जिसे कहते हैं, उन्होंने कहा आप भी तो ढोंग कर छे ना, आप तो परमहंस हैं, परमहंस होके गद्दे पे सोते हैं, मच्छरदानी लगाते हैं और जूता पहनते हैं, बढ़िया लाल किनार की धोती पहनते हैं, आप भी तो बड़ा फैशन करते हैं। श्री राम कृष्ण हंसते कहते ठीक कहा, तो ठीक कहा, मैं जो गद्दे पे सोने की बात है ठीक कहा, तू भी मां का काम करेगा तो इतने बड़े गद्दे पे सोए थे, ऐसा श्री राम कृष्ण ने कर दिया। तो बात आई गई, बहुत वर्षों बाद श्री राम कृष्ण की महासमाधि के बहुत वर्षों बाद बेलूर मठ बन गया। बेलूर मठ में आप जाके देखिए श्री राम कृष्ण का, स्वामी विवेकानंद का कमरा, उस पे एक बहुत बड़ा एक पलंग है और उसके ऊपर गद्दा है। उनके डिवोटीज ने, उनके भक्तों ने उनको प्रेजेंट किया है। स्वामी विवेकानंद एक बार उस पर लेटे हुए थे, अचानक उठे और उसको नापा, ठीक उसी साइज का गद्दा। दौड़े दौड़े गए, साक्षात प्रणाम किया ठाकुर जी का। अनजाने में भी श्री राम कृष्ण के मुंह से जो निकला वो सत्य निकला। पता नहीं कैसे हुआ ये चीज। हम तो एक मनोविज्ञान दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से यही कह सकते हैं कि श्री राम कृष्ण का सारा मन जो है वह पूरी तरह परिवर्तित हो गया। सारा मन उनका एक सत्य से प्रतिष्ठित में पूर्ण रूप से, अचेतन मन भी सब सत्य से प्रतिष्ठित में प्रतिष्ठित। और इसको हम लोग जब तक थोड़ा सा अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक हम इसको समझ ही नहीं सकते। क्योंकि हमारा जीवन, हम कितने केयरलेस, हम वचन पालन के संबंध में कितने लापरवाह है। बोल दिया नहीं यार, टाइम पे आना है नहीं यार, टाइम पे शुरू करना है लेक्चर नहीं किया। ये चीजें तो स्वाभाविक हो गई ना, आज के जीवन में स्वाभाविक है। इन स्थिर रोग धीरे धीरे इन छोटी छोटी चीजों को पालन करने से व्यक्ति सत्य में प्रतिष्ठित होता है। और ये श्री राम कृष्ण ने यहाँ पर बड़े सुंदर ढंग से स्वयं उनके जीवन में उन्होंने कैसे आचरण किया था यह उन्होंने बताया यहाँ पर। आज हम यही रोकते हैं, अगले वीरवार को इसके आगे चर्चा